ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମେଳି ଏଥର ଦେବେ ଡ୍ରାଗନକୁ ମାତ୍। ଲଦାଖ ସୀମା ବିବାଦରେ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଛୁଟିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମର୍ଥନର ସୁଅ। ଡ୍ରାଗନକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତିମାନେ। ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଏବେ ଆମେରିକାର ସାଥ। ଭାରତକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆମେରିକା। ଭିଏତନାମ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବି ଦେବେ ଭାରତର ସାଥ। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୁଷ ପଠାଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଳିବିଳାଉଥିବା ଚୀନ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଛନକା ପଶିଛି। ଏକାସଙ୍ଗେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଭିଏତନାମ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭଳି ଦେଶକୁ ଡ୍ରାଗନ ପାଇଁ ସାମ୍ନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। रक्षा मंत्री जी को पूरी तरह से ब्रीफिंग किया होगा और कि क्या ऑप्शंस है, क्या है वे फॉरवर्ड, अब आगे का क्या करना है। इस ब्रीफिंग के बाद मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि ये जो समस्या है इसका डिस्कशन होगा CCS में, जहाँ हो सकता है NSA भी हों, और जो वे फॉरवर्ड है, जो पॉलिटिकल सिग्नल है, पॉलिटिकल गो अहेड है, वो दिया जाएगा इंडियन आर्मी को कि आप इस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं और कीजिए। तो चीन जो है वो बहुत ही खतरनाक देश है, उस पर उसकी नीयत ठीक नहीं है, उस पर विश्वास करना आत्मघातक होगा। तो चीन की जो दृष्टि है PP-14 के लेके और उत्तरी दिशा में पैंगोंग सो लेक के फिंगर्स के एरिया में, उसको किस तरह से परास्त करना है, अपने भौगोलिक क्षेत्र को कैसे बचाना है और चीन के विस्तारवाद की नीति को कैसे परास्त करना है, ये सब बिंदुओं पे चर्चा होगी और तब पॉलिटिकल सिग्नल दिया जाएगा इंडियन आर्मी को। सेपटे लद्दाख घाटी में भारतीय सेना यार समराभ्यास आरंभ कर दी। घाटी में सेना पोस्ट गुड़िक संख्या बढ़ाई भारत। चीन सेनार गतिविधि को नजर रखे डेस्पांग को पाखापाखि 12,000 सेना पठा जाए। एथसहित सीमार जारी रही वायुसेनार जोरदार आक्शन। पछकु पछ घन घन चक्कर काटुचंत सुखोई मिग और मिराज भली फाइटर जेट। खाली से नुहे नौसेना पूरा सजा। हिंद महासागर चीन कौनसी भी हरकत को प्रतिहत करने नौसेनार फ्लीट फॉरवर्ड पोजिशन रही। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्गस डॉट इन।